तो अभी स्टूडियो में हम अपना स्क्वायर रूट ऑफ 176 बाय लॉन्ग डिविजन मेथड कैसे निकालें यह सीखेंगे। यह देखिए आपका तीन अंकों की संख्या है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें दो डिजिट को साथ लेना है। इस तरफ आगे बढ़े, आपका एक सिंगल डिजिट का नंबर आ गया, स्क्वायर रूट निकालना। दोस्तों यदि आप एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी नंबर का बाय लॉन्ग डिविजन मेथड स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते। यहाँ पे जो आपका एक डिजिट का संख्या है, इसको दोस्तों हमने बाहर लिख दिया। अभी संख्या के आधार पे हम एक ऐसे संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है, यह वाला वैल्यू इसके बराबर रहना चाहिए या इससे कम। तो यहाँ पे आपका एक गुणा एक क्या एक आ रहा है जो इसके बराबर है, तो यहाँ पे हमने अपना एक गुणा एक को ले लिया। इनका गुणा यहाँ लिखना होता है, इसको एक बार यहाँ लिखना है, फिर इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है। 1 - 1 = 0 आ गया। जो अगली संख्या है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आपका कितना बन गया, 76। ओके, अब ये जो है इसके साथ हम कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि आपका 76 आना चाहिए या 76 से छोटा। देखिए हमने 4 लिया, 4 का मल्टीप्लाई किया, इससे बड़ा आ रहा है। जैसे 3 पे आए, 3 का मल्टीप्लाई किया, 69 आ रहा है, जो 76 से छोटा है। ओके, अब देखिए किसको 3 को लिया, तो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम जानते हैं दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.00, दो दो जीरो को एक साथ ले लो, इस जीरो के आगे जो पॉइंट, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। फिर माइनस करते हैं, कितना आ गया आपका, 7 आ गया, और इसके साथ हम अगले डबल जीरो ले आते हैं। देखिए पॉइंट हम पहले शिफ्ट कर चुके हैं, फिर इसको ऐड करना है। अब इसके साथ जैसे हम 2 लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं, तो कितना, 4 और 524 आ गया, इसके जस्ट नज़दीक है। यदि हम अपना 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं, 9 - 18, देखिए 700 से बड़ा आ गया, तो बड़ा वाला तो हमें नहीं लेना है, तो हमने अपना 2 को लिया। फिर माइनस करना है, प्लस करना है, कितना आ गया यहाँ पे, कितना, 6 - 7 - 176 आ गया। उसके बाद इसके साथ अगले हम 00 ले आएंगे। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम। देखिए 7 लेते हैं, 7 का गुणा करें, इससे बड़ा आ रहा है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट। जैसे 6 को लिया, 6 का गुणा किया, इससे छोटा मिल रहा है, 36। 3 के लिए चला गया, 6 - 24 = 3 - 27, 2 के लिए चला गया, 36 - 2 = 38, 3 के लिए चला गया, 12, और ये देखिए आपका 17,000, ये 15,000 कुछ है, ठीक है, ये 17,000 कुछ है, ये 15,000 कुछ है। हमने किसको लिया, अपना 6 को, फिर माइनस करना है, प्लस करना है। आगे आप जहाँ तक कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारा वैल्यू निकला है, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 176 है। इस तरीके से हम अपना आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।